बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है। इसी बीच आज महागठबंधन की तरफ से बदलाव के संकल्प की सामूहिक घोषणा की गई। राजधानी के होटल में राजद, कांग्रेस, अन्य सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए और प्रण हमारा संकल्प बदलाव की जारी किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर हम लोग सरकार में आए पहले सिग्नेचर से 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। इसके आगे आज जो भी वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में बिहार में उत्पादन नहीं होता है, बिहार में बिजली खरीदी जाती है। किसानों का लोन माफ़ करेंगे। बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया, हम विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। जो लोग रोजगार करते थे उनका रोजगार भी ठप पड़ा हुआ है बिहार में। बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। महागठबंधन का जो संकल्प है, जो सरकार में आती है, उसे जरूर पूरा करूंगा। ठीक है, राष्ट्र प्रवक्ता नेता रणदीप सुरजेवाला जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, मदन मोहन झा जी, हमारे साथ सीपीआई पार्टी के नेता, सीपीएम पार्टी के नेता और सीपीआईएमएल के नेता यहाँ उपस्थित हैं। आज बेहद खास दिन है, नवरात्र का शुरुआत है, कलश की स्थापना की गई है और आपको हम इतना कहना चाहते हैं कि जब कलश की स्थापना की जाती है तो लोग संकल्प लेते हैं। आज 10 मिनट हमको देरी हो गई आने में, क्योंकि आज हम लोगों ने कलश की स्थापना की है और संकल्प हमने लिया है और बेहद खुशी है कि आज का दिन हम लोगों ने चुना है और आज के दिन आप लोगों के सामने हम लोगों ने पेश किया है जो प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। मैं फिर से दोहराता हूँ, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। इसमें ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, कॉपी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और बाकी करके अन्य दलों के नेता भी अपनी बात को प्रमुखता से आपके सामने रखेंगे। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो वादा किया था, क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, पहले भी कहा था, डीएनए शुद्ध है। हमने पहले आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोज़गार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ़ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। एक लॉकडाउन के समय आप लोगों ने देखा जितने हमारे श्रमवीर थे किस हालात में थे, फंसे हुए थे। अभी भी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं, हम तो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो हैं दिल्ली, बॉम्बे फ्लाइट से बल्कि लोग वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की हालत आप लोगों से छुपी नहीं है। हम लोगों को संकल्प लेना है कि पलायन रोकना है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे, जहां कभी भी कोई आपदा आएगी तो उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज़ किया जाएगा। चौथी बात, नियोजित शिक्षकों के लिए जो हम लोगों ने बात की थी कि उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, इसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पुल पुलिया एक्सप्रेसवेज जो हैं वर्ल्ड क्लास हों, इस पे हम लोगों का पूरा ध्यान रहेगा। आप सब लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, जब हम डेप्टी सीएम थे, डेप्टी सीएम पथ निर्माण विभाग हमारे पास था, अभी तक कुछ समय तक पटना एयरपोर्ट कहाँ नया बनेगा ये तय नहीं हुआ था। हमारी कैबिनेट ने वो तय किया था कि बीटा का जो एयरपोर्ट है उसको हम लोग परमानेंट पटना का एयरपोर्ट बनाएंगे।
उस समय हम पत्र निर्माण विभाग मंत्री थे, हमने बजट में भी इस चीज़ को इंक्लूड किया था कि मॉडर्न एक्सप्रेसवे जो होता है डेडिकेटेड टू एयरपोर्ट, वो हम लोग जो हैं उसकी शुरुआत करेंगे। तो वैसे कई एक पुल पुलिया बड़े एक्सप्रेसवेज जो हैं वो हम लोग काम देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिजली के क्षेत्र में बिहार में खुद का उत्पादन नहीं है, वो खरीदती है और वो महंगे दामों में दरों में बेचती है। यानी बिहार सब बिहार राज्य ऐसा है जहाँ उत्पादन नहीं है और सबसे महंगा बिजली अगर कहीं मिलता है तो वो बिहार में मिल रहा है। जितने कृषि क्षेत्र में जितने किसान हैं, कृषि ऋण जो हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। जीविका दीदी हो या स्वयं सहायता समूह हो, उसके लिए नियमित वेतन और नौकरी और मानदेय को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमने इस प्रण हमारा संकल्प बदलाव में कुछ मुख्य बिंदु हमने अपने तरफ से रखा है, लेकिन आप जानते हो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से लगभग नीतीश कुमार जी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कोई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देने वाले हैं यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। आप देखिएगा मोदी जी ने पिछले 2015 के चुनाव में कहा था कि शुगर मिल जो मोतिहारी का है वहाँ का चीनी का चाय वो पिएंगे। बिहार में आप देखिए जूट मिल हो, पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, राइस मिल हो, सब ठप पड़े हैं, बंद हो गए। इसके उपाय के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि बिहार में उत्पादन अगर होता है मकई का, लीची का, गन्ने का, केले का, इसके लिए कोई व्यवहारिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं खोले गए। इन सारी चीज़ों में हम लोगों का ध्यान रहेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं कि भैया बेरोजगारी, आज हम कहीं भी जा रहे हैं, कल से हमने शुरुआत की, लोग इतने आक्रोश में हैं, नाराज हैं मौजूदा सरकार से। लाखों करोड़ों लोगों जो रोजगार भी करते थे उनका भी रोजगार छिन गया, छोटे मोटे जो व्यवसाय हैं उनका व्यवसाय जो है वो ठप हो गया और सरकार का कोई ध्यान नहीं। बाढ़ है, सुखाड़ है, अब तक केंद्र की टीम नहीं आके देख के गई कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए। लगभग 80 से 85 लाख आबादी, 18 जिला, लेकिन अब तक कमेटी टीम कोई नहीं आया जांच करने की भैया क्या फसल का नुकसान हुआ, किसका घर का नुकसान हुआ, किसके मवेशी का नुकसान हुआ, कोई आकलन नहीं किया गया। ऐसा लग रहा बस कुर्सी पाने की होड़ में सब लोग लगे हुए हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई मेरा काम सेवा का है, मेवा का नहीं है, लेकिन मेवा के लिए बताओ 60 घोटाले हुए हैं इस बिहार में। सृजन घोटाले जैसे लोग, जो लोग थे सृजन घोटाले में जो लोग अभियुक्त, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो चाहे भ्रष्टाचार हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, NCRB के आंकड़े आप देख लें, कोई मेरे आंकड़े नहीं, हम लोग भी सत्ता में रहे, कांग्रेस पार्टी 15 में, राष्ट्रीय जनता दल JDU थी, उन 18 महीने का आप निकाल लीजिए और बाकी के BJP जो आई सरकार में उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, स्पष्ट रूप से अपराध जो है बड़ा है। लेकिन जो मुख्य बातें हैं हमने कही हैं, बाकी तो हम लोग आप लोगों से करते रहते हैं। ज़्यादा समय हम ना लेते हुए मुझे पूरा विश्वास है बिहार की जनता पर कि जो विकल्प हम लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने, RJD, कांग्रेस, लेफ्ट की तीनों पार्टियों ने एक साथ आकर के बिहार की जनता के सामने जो संकल्प लिया है, जो प्रण है हमारा, उसको हम लोग सरकार बनने के इमिडिएटली बाद ही उसको पूरा करेंगे। और हमने तो पहले भी कहा कि पहले कलम अगर मेरा चलेगा कैबिनेट मीटिंग में, पहले कैबिनेट मीटिंग में, तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार, 10 लाख लोग सोचते हैं कहाँ से आएगा, 4.5 लाख नौकरियां तो रिक्त पड़ी हैं सरकारी,
इन्हीं शब्दों के साथ तेजस्वी यादव ने सभी लोगों को संबोधित किया। खबरों के लिए लगातार बने रहें और देखते रहें। नमस्कार।